भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता राकेश टिकैत छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत लगातार चुनावी आबोहवा को टटोलने का काम कर रहे हैं। वहीं किसानों के मुद्दे पर राकेश टिकैत से साधना न्यूज के संवाददाता आकांक्षा तिवारी से खास चर्चा हुई। वहीं राकेश टिकैत ने राज्य सरकार की किसान नीति की सराहना करते हुए कहा है कि प्रदेश के किसानों में थोड़ी नाराजगी है, लेकिन किसानों को धान में दिया जा रहा समर्थन मूल्य सराहनीय है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। किसानों का राज्य कहा जाता है हमारा छत्तीसगढ़, ऐसे में प्रदेश के किसान कहाँ पीछे हटने वाले हैं। और इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत जी भी हैं, ऐसे में उनसे समझेंगे कि इस वक्त की छत्तीसगढ़ की राजनीतिक आबोहवा क्या कहती है। आप तो छत्तीसगढ़ का भ्रमण भी कर रहे हैं, यहाँ के किसानों से भी मिल रहे हैं, चुनावी माहौल का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ कहता है अभी छत्तीसगढ़? कुछ नाराज सी लग रहे हैं अभी की बार किसान यहाँ के, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, जब ये विपक्ष में थे तो बहुत अच्छी बात करते थे, और यहाँ के लोग वही कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में जो वादे करके गए उनको पूरा कर दो, ये तो पॉलिटिकल वो है। और दूसरा ये है कि जहाँ आंदोलन चल रहे हैं, जहाँ पे मुद्दे हैं किसान के, वो नया रायपुर का मामला हो उसका समाधान निकल ले, जहाँ पे कोल माइंस हैं जहाँ जारी है उससे नुकसान बहुत हो रहा है, उनके जंगल काटे जा रहे उसका समाधान करें, इन चीजों का समाधान करें। फ्री में जमीन किसान नहीं देगा, पूरे देश में हम आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ पे भी जमीन के इशू होंगे फ्री में दान पात्र किसान ने जमीन देना बंद कर दिया, महंगाई बढ़ रही, हमको जमीन के उचित मुआवजा सर्कुलेट का 4 गुना, जो नया भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसके हिसाब से आपको विकास करना है तो उसके सिस्टम से आप जमीन ले लो। अच्छा, आप प्रदेश के किसानों को बता रहे हैं कि ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि यहाँ की सरकार तो ये भी कह रही है कि जो हमने नीतियाँ लाई है, चाहे वो धान खरीदी की नीति हो, किसानों के लिए तमाम पॉलिसी हो, ऋण माफी की नीति हो, तो ये तमाम नीति कारगर साबित हुई है और किसान तो यहाँ के खुश है। किसान कहाँ खुश है, धान में हमने कहा है कि धान की एक पॉलिसी उनकी है, वो पूरे देश में लागू, उनकी बेहतर पॉलिसी है वो, लेकिन उसमें भी एकड़ के हिसाब से जो खरीद होती है वो कम है, उसकी मात्रा बढ़े। और हम कल ही बस्तर में थे तो वहाँ पे 15 रुपये किलो का रेट था, 1500 रुपये क्विंटल था धान का रेट, बाजार में बिक रहा था, तो अगर उसका पूरी की खरीद हो जाए तो कम रेट पर नहीं बिकेगा। और MSP गारंटी कानून इसीलिए देश में चाहिए कि बाजार उसके कम पे नहीं जाएगा, वो भारत सरकार की भी पॉलिसी है, उसमें काम करे भारत सरकार भी। और एक MSP पर बड़ा आंदोलन देश भर में होगा, यहाँ पे जमीन अधिग्रहण के बड़े मामले हैं, आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है वो बड़े इशू हैं, जंगल नष्ट करे जा रहे हैं वो एक इंटरनेशनल हमारा वो भी है कि हमारी छवि इंटरनेशनल स्तर पे भी खराब है, कि पोल्यूशन भारत सबसे ज़्यादा फैलाता है, जंगल कटेंगे तो NGT क्या कर रहा, कोल के नाम पे खनन होगा जंगल काटे जाएंगे तो पोल्यूशन होगा, और जो आदिवासी हैं जो जंगलों से अपना काम चलाते हैं, वहाँ पे इमली है, वहाँ पे आम है, बहुत सी जड़ी बूटियाँ वहाँ से पैदा होती है, वो सब खत्म होगी, हमारे आदिवासी समाज जो है वो खत्म होगा, तो उनको बचाने के लिए हम उनके साथ में खड़े हैं। चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और आप भी किसान हित में लगातार कार्य कर रहे हैं, ऐसे में ये चुनावी मुद्दा भी अक्सर रहा है, आपने देखा भी है छत्तीसगढ़ को किसानों के प्रति काफी कुछ किया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं एक नाराजगी जरूर होती है, इस बार भी चुनाव में वैसा कुछ माहौल? नहीं, हमें चुनाव का तो नहीं पता, लेकिन हमने सरकारों को ये कहा, यहाँ की सरकारों को, कि आप किसान के चेहरे बनो, जो उनकी समस्या है उसका समाधान करो, आप चुनाव लड़ो बढ़िया तरीके से, हमें चुनाव में कुछ नहीं करना, लेकिन हम ये है कि समाधान तो होना चाहिए ना, भूमिका किसानों की पर होती तो है चुनाव, और जब चुनाव आओगे ये बता देंगे भूमिका। अच्छा, आपके भी कार्यालय का यहाँ पे लोकार्पण हो चुका है, ऐसे में अब किस प्रकार से किसानों के मुद्दे को आप लोग लेकर के जाएंगे, राज्य सरकारों से चर्चा करेंगे, केंद्र सरकार से चर्चा करेंगे? देखो, चर्चा सरकारें बात करेगी तो हमारे पूरी कमेटी यहाँ की है, हम बात करेंगे, और हमने हमेशा कहा कि सरकारों को बातचीत करना चाहिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारा समाधान सरकार करे। छत्तीसगढ़ की चुनावी दृष्टिकोण से किसानों का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो कि इस वक्त आपको दिख रहा है कि इस बार चुनाव में हावी होगा?
फसलों के दाम का बड़ा सवाल रहता है उनको, और जब सत्ता से बाहर रहती हैं पार्टियां, वे वादा करती हैं, जो उन्होंने सत्ता से बाहर रह के वादा करा है आज सत्ता में है वो पूरा कर दो, ये एक बड़ा इशू रहेगा। जब वे बीच में जाएंगे लोगों के, तो लोग उनसे जरूर ये क्वेश्चन करेंगे कि आप वादा करके गए थे बेहतर हम रेट देंगे, जमीन के जो मसले चल रहे हैं उसका समाधान करेंगे, आज उनकी सरकार है उसका समाधान कर दो। अच्छा, समाधान नहीं होता है तो अक्सर हम आंदोलन देखते हैं, ऐसा कोई स्वरूप इस बार आगामी चुनाव में आपको अभी से दिखने को मिलेगा? चुनाव का तो नहीं पता, लेकिन लोग तो हैं कि मूवमेंट करें, लोग तो चाह रहे कि मूवमेंट करें। तो ये थे किसान नेता राकेश टिकैत जी, जिन्होंने हमसे खास तौर पर चर्चा की, और इस बार का जो चुनाव है वो किसानों वाला चुनाव होगा, ये उनका कहना भी है साफ तौर पर, क्योंकि जो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य कहा जाता है, तमाम धान और किसान के मुद्दे हर वर्ष चुनाव में जाहिर सी बात है गूंजते हैं, तो किसानों के मुद्दे को लेकर के, जनहित के मुद्दे को लेकर के वे जनता तक जाएंगे, राज्य सरकारों से उनके हित को लेकर के चर्चा भी करेंगे। बहरहाल एक रणनीति के तहत इस वक्त छत्तीसगढ़ की आबोहवा किसानों के पक्ष में होते हुए नजर आ रही है। समय सहयोगी राहुल के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।